अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सफ़र। इस वक्त हम मौजूद हैं जी यूनिवर्सिटी रोड पे, और मोबाइल के नाम से एक होटल है। आज यहाँ जा रहे हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पर भी कैसा खाना है और क्या इनका सेटअप है। आ जाए बन तो ओहो माशाल्लाह भाई, फुल धुआं उड़ रहा है भाई। इनके बैठने के तख्त बने हुए हैं, काफ़ी बड़े साइज के हैं। और ये इसका, ये इनका मेन्यू सिस्टम है। किसी बंदे ने रेट देखना, आराम से वीडियो रोक कर रेट देख सकता है और फिर अपना डिसाइड करके आ सकता है। घर से प्लान बना के है, ये नहीं हो कि यहाँ के सोच रहा हो कि यार अब क्या करें। अच्छा भाई, ये माहौल है भाई यहाँ का माशाल्लाह। भाई क्या मंगवाया यार? यार हमने मंगवाया अफगानी पुलाव बीफ एक प्लेट, और चिकन टिक्का मंगवाया के साथ नान मंगवाया। तो क्या वजह है, हम बाकी चीज़ें क्यों नहीं मंगवा रहे? असल में थोड़ा सा रेट भी ज़्यादा है, लेकिन हम बंदे कम हैं और चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी। तो सुफियान भाई ज़्यादा भूख नहीं है, क्या मसला है? खा के हैं। अच्छा, ये हम फजूल में हुए हैं। नहीं, ये तो आपका व्लॉग कवर करना था, तो इस वजह से। अच्छा, स्पेशल व्लॉग के लिए, खुदा का नाम ले भाई, एक नई चीज़ भी ट्राई करनी है। असल में ये हमने काफ़ी टाइम से देखा हुआ था, हमारा इरादा बन रहा था एक चक्कर लगा लें। बस चक्कर लगाने के बाद चक्कर तो आ गया, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा ट्राई करते हैं, टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। 8-10 बंदे हों तो फिर तो सही है। ऐसे ही है भाई, चार पहियों से कवर किया हुआ है। मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये सेट जो है चार पहियों से कवर है। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि वैसे सही है, प्राइस भी इतने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 8-10 बंदे हों, कम से कम तो 6 पूरा ग्रुप होना चाहिए खाने पीने। चलें अगली दफ़ा कोई ग्रुप ढूंढते हैं। अच्छा भाई, जो जो खाना चाहता है आ जाए, मिल के पार्टी करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं, जब बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे तो हम खिला देंगे आपको, लेकिन फिल वक्त जो है ना, आप लोग सब इकट्ठे होकर मिल के खाएंगे। जो हमारे ग्रुप में आना चाह रहे हैं वो पहले मैसेज भी कर दे, और रकम जो है कम से कम 1500 कैश कर दे। नहीं नहीं, ये गलत बात है यार, जो है वो हमारा मेहमान होगा। रीनो गाड़ी पे नहीं लाएंगे, अपनी सिटी 70। रीनो नहीं, रीवो। रीवो जिस पे भी लाएंगे, मेहमान मेहमान होता है यार, उसको खुद खिलाएंगे भाई। ये क्या बात कर रहे थे भाई, माहौल देख सकते हैं आप यहाँ, एक वो कह सकते हैं कि आप जो है एक VIP माहौल है। बैक साइड पे जो है फैमिलीज के, इस साइड पे जो है जेंट्स के, और इस वक्त जो है यहाँ सामने ही खाना बन रहा है। अच्छा भाई, ये इनका दस्तरखान बिछ गए, बहुत अच्छा भाई, ये आ गया माल हमारा, रहता होना चाहिए यार। चलो चटनी तो है, हाँ पहले ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करें सुखिया भाई, बुलाओ। ये बात नहीं, ये पहले ये नहीं पहले ये सर भाई, इनका ये है, ये उतारना पड़ता है पूरा पब्लिक पीपल, और हमने सोचा कि इसी में ही खाएंगे। हाँ भाई, क्या सीन हो गया? सीन ये हो गया कि आपने तो टेस्ट किया, लेकिन आपने उसके अंदर से जो खामी थी नहीं पकड़ी, लेकिन पुलाव था ठंडा। हाँ वो तो वापसी भेजा, हमने कहा कि इसको गर्म ले कर चले, ठंडा खाने का मजा नहीं। सही बात है, ऐसे लग रहा है कल का पका हुआ है। चले भाई, गर्म होने गया, गर्म नहीं आया तो फिर कुछ और मंगवा। अल्लाह खैर करे। जिस तरह इसकी शोशात थी गुजरते हुए, इधर देख के बोलो, ऊंचा बोलो, मैं कह रहा हूँ जिस तरह इसकी शोशात थी ना देखने में, लेकिन वो चीज़ हमें खाने में नज़र नहीं है। क्या हुआ? खाना पुलाव गर्म तो कर गया है, लेकिन बोटें कच्ची है और टेस्ट भी बहुत अजीब सा था। वो वापसी कर दी है, अब यही सोचा कि नान जो लेकर आया था वो भी पीछे से जले हुए थे। आपने PIP में 2500 का, ये 50 का दे रहा है। हमने बोला चलो खैर है यार, लेकिन अब नान भी जला हुआ था, वो भी वापसी किया। पराठा बोला दुआ करेंगे वो सही सही आ जाए, और बस ये थोड़ा सा तिक्का ख़त्म करके फिर कहीं और जाके कुछ खाएँ और भूख अपने ख़त्म करें। अच्छा जी, हम आए थे यहाँ पर कैफे कबाइल पे, और हमने यहाँ पर मंगवाया
काबली क्या नाम है पानी पुलाव जो कि बिल्कुल किसी काम का नहीं था, पहले ठंडा था वो वापसी करवाया उसके बाद लाया तो टेस्ट बिल्कुल किसी के नाम गोश्त भी कच्चा था उसमें और मजबूरन हमें वो वापस देना पड़ा। इसके अलावा सर्विस थोड़ी स्लो है और दूसरे नंबर पे जो है इनकी जो रोटी हमारे लिए लाए थे माशाल्लाह वो भी जली हुई थी पीछे से, अगर वो मैंने वीडियो में वाजे नहीं की मुनासिब नहीं लगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मेन शहर के अंदर एक इतना मेन जगह के ऊपर जो है एक होटल है और उसमें इतनी बेकार सर्विस हो तो समझ से बाहर है। खैर हमने कंप्लेन की है, उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो है अपनी सर्विस बेहतर करेंगे। हाँ जी सुफियान भाई, सुफियान भाई देख रहे हैं वहाँ पर जाएंगे जाएंगे जी। तो ये गरम गरम पराठा आ चुका है और अब टिक्का जो है हमारा ठंडा हो चुका है, इंशाल्लाह गरम पराठे के साथ ठंडा टिक्का खाएंगे और प्लस ठंडा रायता। ये खाने के बाद फिर इंशाल्लाह कुछ और कहीं और से खाएंगे और फिर चाय पियेंगे इंशाल्लाह। तो आप मेरे भाई साहब के चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी, फिर आप पता नहीं मौका दें ना दें। मौका दूंगा बस। अच्छा जी भाई, खच्चल ख्वार होने के बाद जो है हम अपना पुराने अड्डे पे आ गए क्वेटा आलमगीर होटल और चाय वगैरह पियेंगे यहाँ से, एक पराठा खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ क्या सीन हो गया हमारे साथ? जो भी सीन हुआ लेकिन हुआ बोलूँ। वैसे मैं एक बात बोलूँ, मैं जो है ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मैं फजूल में जो है ना होटल वालों की तारीफ नहीं करता। जहाँ खाना अच्छा होता है बंदा वहाँ की बात करे, वहाँ पर भाई जहाँ अच्छा है तो वहाँ अच्छा है, जहाँ अच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती का लोगों को दिखाना भाई बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए कि जी ये आ जाओ भाई ये बेहतरीन, ऐसा नहीं होता भाई। हम बात करते हैं सीधी बात करते हैं, जहाँ नहीं है टेस्ट नहीं है, ख़त्म हो गई बात। असल में जो यूट्यूबर तारीफ कर रहे होते हैं ना, या तो उनको फ्री पॉकेट में मिल रहा होता है या तो फिर उस तारीफ में कुछ ले लिया होता है। नहीं खैर हमें दिया हुआ भी होता मैं फिर भी तारीफ नहीं करता, मैं कभी भी नहीं करता। या हमें कोई फ्री में भी खिला रहा हो हम तब भी तारीफ, भाई तारीफ उसी की होती है जो क्वालिटी वाइज कुछ लोगों को अच्छा दे रहा हो। उनकी सर्विस बेकार थी, उनका सब कुछ बेकार था। आपके इस चैनल से कोई अगर आपकी वीडियो देख कर वहाँ पर जाए तो सबसे पहले गालियाँ फिर आपको बकेगा, बाद में उसको बकेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। आपने उसको रास्ता गलत दिया। अच्छा बहरहाल इस क्वेटा आलमगीर का हम आपको बता दें, ये एक तो बेहतरीन लोकेशन पर है और दूसरा ये है कि इसका यहाँ पर चाय काफ़ी अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। हाँ बच्चा पार्टी के सामने ही। ओके जी। अच्छा भाई चाय आ रही है और साथ में उसामा साहब का जो है ना लच्छे वाला पराठा, ये सुबह का नाश्ता कर रहा है अभी से। ये असल में हम अभी वहाँ जिस रेस्टोरेंट से वापसी आ रहे हैं ना, हाँ 1000 रुपये लगाने के बाद ही हमें 400 रुपये वाला पराठा उससे ज़्यादा जायकेदार लग रहा है। ऐसे ही है, चलो देखने में भी खूबसूरत है खाने में भी खूबसूरत। चलो यार चाय पिला दो भाई, चाय के ऊपर शेर तो बोलते कोई कुछ चाय पे शेर सुना दो समा। कल पढ़ेंगे। चलो भाई उम्मीद है कि भाई आज का खच्चल ख्वारी वाला हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो हमें याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और कौन कौन बंदा जिस होटल पे हम हो के आ रहे हैं कबायली पे उस पर किस किस ने खाना खाया और किसको अच्छा लगा था और किस बेचारे का बड़ा खराब हुआ वो भी बताएं। अल्लाह हाफिज़।